क्या प्रणाम करने वालों खांसी आ रही है क्या? इसका अभ्यास शुरू करके एक मिनट से शुरू करके 5-10-15 मिनट तक कर सकते हैं, और किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की उपचार के दौरान इसको 12 घंटे 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, और दोनों टाइम कर सकते हैं। जो दो टाइम करते हैं उसका डबल बेनिफिट मिलता है। प्राणायाम, प्राणायाम ही एक ऐसी चीज है कि श्वसन के लिए प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। हम अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो धीरे धीरे आराम से, बहुत सहज तरीके से, कोई शरीर पर तनाव नहीं, दबाव नहीं, कोई नहीं, बहुत आराम से करिए। और ये सबके लिए अनिवार्य है। प्राण हमारा मजबूत होगा तो हम स्वतः ही मजबूत, और हम लोग कितना भी खाएं कि यहाँ से कुछ क्यों मजबूत हो, अगर हमारी प्राण वायु मजबूत नहीं है, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सब खाया पिया बेकार हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, दम नहीं निकलता है, यही होता है। आजकल का वातावरण इतना प्रदूषित है कि ये बीमारी बढ़ रही है और इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कपालभाति के बाद में इसके बाद करते हैं कपालभाति के बाह्य प्राणायाम। एक क्रम बता दें आपको, 8 प्राणायाम को पूरा क्रम बता दें। पहला तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ जाएगा, फिर हम कपालभाति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, लेने वाला अभ्यास करेंगे, फिर निकालने वाला। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर उसके बाद बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम पुरुषों में पुरुषत्व, स्त्री में स्त्रीत्व वर्धक होता है, जो युवा अवस्था में रोग हो जाते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए लाभकारी होता है। बाह्य प्राणायाम में सांस को बाहर छोड़ दें, पेट पीठ से निकाल दें, बाहर निकाल दें, छोड़ दें, पहले सांस भरेंगे, सांस भरेंगे फिर निकालेंगे ना, पहले भरेंगे। ये प्राणायाम हो गया बिना किसी बंध के लगाए, बाह्य प्राणायाम। अब करते हैं, तीन बंध होते हैं, मूल बंध, उद्धियान बंध और जालन बंध। मूल बंध नीचे का हिस्सा हम ऊपर को खींचते हैं, मूल बंध लग जाता है, और पेट को पीठ से मिलाते हैं तो उद्धियान बंध लग जाता है, और ये थोड़ी को यहाँ से लगाते हैं तो जालंधर बंद हो जाता है। तीनों बंद जब लग जाते हैं जिसको हम महाबंध की स्थिति हो जाती है, इसको महाबंध कहते हैं, यही महाबंध होता है। एक पीठ से नीचे का हिस्सा ऊपर, तीनों बंद लगते हैं, मूल बंद लगने से बवासीर नामक रोग होता है और दूर होता है, उसके बाद जब अंदर बंद होते हैं तो थायराइड ग्लैंड ठीक होती है, थायराइड की बीमारी में लाभ होता है। सांस बाहर छोड़ कर करें, बाह्य प्राणायाम जितनी देर आप रोक सकते हैं क्षमता के अनुसार फिर लेंगे, फिर छोड़ उसको रोक के एक एक करके बंद को छोड़िए, सांस छोड़ें तो फिर बाहर आए। हां 5-7 बार पहले जालंधर बंद ना खुले, पहले जालंधर बंद पहले मूल बंद, पहले मूल बंद, फिर उद्यान को फिर जाते बोलते समय फिर से बता दीजिए। ये बाह्य प्राणायाम फिर से क्रिएट कर दीजिए, सांस भरेंगे फिर सांस को छोड़ दें, पेट को पीठ से लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, फिर उद्यान बंद लगाएंगे, फिर जहां बंद। तीन बंद लगाने से इसका लाभ और प्रभाव इसका बढ़ जाएगा, जो लोग लगाने नहीं लगा सकते बिना बंद के। जैसे लगाते हैं मूल बंद, उद्यान बंद, फिर जालंधर, इसी क्रम से छोड़ते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, फिर जालंधर, ऐसे छोड़ते। और जब ये जालंधर बंद लगाते हैं नीचे को नहीं लगता, वैसे नहीं लगता, ये लगता ऐसे ही सामने को दिखता है, ऐसे नहीं लगता, ये गलत है, कोई लाभ नहीं, ये लगेगा सामने को, ऐसा लगेगा जो सामने देखना नहीं, जालंधर बंद। और आहिस्ता से लगाना चाहता, तनाव खिंचाव पूर्वक नहीं लगा। तीन से सात बार तक कर सकते,
शुरुआत में एक बार करो, दो बार, शुरुआत तो आप अपनी क्षमता के अनुसार करें ना, एक बार दो बार, ध्यान तो एक ही है, ध्यान मत, इसके बाद करते हैं उज्जैन अगला। उज्जैन प्राणायाम थायराइड के लिए होता है, जो लोग खर्राटे लगाते हैं उनके लिए भी होता है, और गले की आवाज मधुर होती है, आवाज मधुरता आती है, और जिनको खर्राटे आते हैं उनकी बीमारी दूर हो जाती है। तो इसको करते हैं, गले को टाइट कर ले, फिर सांस को भरते हैं, नाक से ही लेते हैं सांस, प्राणायाम में सांस मुंह से नहीं लेते, नाक से लेना है, नाक से निकालना है, कभी भी नहीं लेना,